हेलो मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं टीना एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल व्रत त्यौहार और कथाएं में। सोते वक्त कभी भी सिर के पास आपके ये पांच चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी और आपको कंगाल बना देगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार संसार में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है। ऐसे में व्यक्ति के द्वारा की गई जरा सी गलती नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देती है। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार सोते समय कौन सी चीज़ें अपने पास नहीं रखनी चाहिए। मित्रों, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वास्तु शास्त्र में हर एक दिनचर्या संबंधी कई नियम बताए गए हैं, क्योंकि इसका सीधा या फिर उल्टा असर मानव जीवन पर पड़ता है। ऐसे ही सोते वक्त कुछ चीज़ों को बिल्कुल भी पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति की कुंडली में दोष लग सकता है। इसके साथ ही अधिक मात्रा में नेगेटिव एनर्जी निकलती है, जिसका असर व्यक्ति की तरक्की, व्यवसाय, करियर पर बुरा पड़ता है। आइए जानते हैं वास्तु के मुताबिक कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सोते समय हमें अपने पास नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहला है मित्रों, जूते चप्पल। कई लोगों की आदत होती है कि बेड के नीचे ही जूते चप्पल रख लेते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इससे निगेटिव एनर्जी निकलती है, जिससे शारीरिक और मानसिक तौर से प्रभावित होते हैं। पर्स, अगली चीज़ है मित्रों, पर्स। कई लोगों की आदत होती है कि तकिए के नीचे ही पर्स रख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तु के मुताबिक ऐसा करने से पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही लव लाइफ पर भी बुरा असर पड़ता है। अगली चीज़ है मित्रों, शीशा। कई लोग अपने बेड के पास शीशा आईना रख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शीशे से निकलने वाली नेगेटिव एनर्जी व्यक्ति की लव लाइफ पर बुरा असर डालती है। इसके साथ ही भयानक सपने भी आते हैं। अगली चीज़ है मित्रों, स्वर्ण यानी सोना, गोल्ड। वास्तु के अनुसार सोते समय पास में सोने से बने आभूषण भी हमें पास नहीं रखने चाहिए, यह अशुभ होता है। जो लोग बेड के पास या फिर तकिए के नीचे गोल्ड रखते हैं, उन लोगों को गुस्सा अधिक आता है। इसके साथ ही रिश्तों में खटास आती है। अगली चीज़ है मित्रों, किताब। कई लोगों की आदत होती है कि पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं और बगल में ही किताब रख लेते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे करियर पर बुरा असर पड़ता है। इस प्रकार से मित्रों, ये पांच चीज़ें हमें अपने बेड के पास में नहीं रखनी चाहिए सोते समय, क्योंकि ये हमें हमारे मानसिक और शारीरिक तौर पर हमें नुकसान करती है। इसलिए हमें मानसिक इससे टेंशन वगैरह होती है और हमें नेगेटिव एनर्जी इससे मिलती है। इससे हम शारीरिक और मानसिक तौर से प्रभावित होते हैं और हमारे वैवाहिक जीवन पर भी ये बुरा असर डालती है, हमारे रिश्तों में खटास आती है। इस प्रकार से मित्रों, हमें इन चीज़ों को अपने पास नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार मित्रों, अगर आप मैंने आपको ये सारा इस वीडियो में बताया है, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच सके। फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे मित्रों।